बसों में ओवरलोडिंग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में कुल्लू के बंजार में हुए बस हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग ही निकल कर आई है, लेकिन विवाद है कि हिमाचल में हो रही घटनाओं से कोई सीख नहीं ले रहे हैं। हिमाचल के DGP घोषणा करते हैं कि बसों में एक भी सवारी ज्यादा बैठने नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी बसों में ओवरलोडिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। बसों में ओवरलोडिंग लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हाल ही में कुल्लू के बंजार में हुए बस हादसे की वजह भी ओवरलोडिंग ही निकलकर सामने आई, लेकिन विभाग है कि हिमाचल में हो रही घटनाओं से सीख नहीं ले रहा है। हिमाचल के DGP घोषणा करते हैं कि बसों में एक भी सवारी ज्यादा बैठी तो उसका चालान किया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके ओवरलोडिंग थमने का नाम नहीं ले रही है। हद तो ये है कि सोलन बस अड्डे से बस ओवरलोड होकर निकल रही है, जिस पर पुलिस विभाग, क्षेत्रीय यातायात विभाग और HRTC विभाग के किसी भी अधिकारी की नजर नहीं पड़ रही है, या वे देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। इस बारे में जब RTO सोलन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जल्द ही विभाग सोलन में अभियान चलाएगा, जिसमें किसी भी तरह के नियमों की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन बसों के पास फिटनेस और परमिट नहीं होगा, उन पर भी सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए, अभी हाल ही में बंजार में जो बड़ी दुखद घटना हुई है और जिस तरह से वहाँ पे कैजुअलिटीज हुई है, उसके बाद जो है सरकार की तरफ से हमें बड़े स्पष्ट निर्देश आए हैं कि जो भी बसेज, ऐसी बसें जो बिना परमिट के है, बिना पासिंग के है, बिना इंश्योरेंस के है, के पाई जाती है या ओवरलोडिंग कर रही है, तो उनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जाए। सोलन में भी जो है पिछले 2-3 दिन से हम लगातार जो है वो चेकिंग कर रहे हैं। पिछले कल भी हमने लगभग 18-19 बसेस को चेक किया था, जिसमें 2 ओवरलोडिंग के केसेस आए थे, उनका चालान किया था। 2 बसेस में म्यूजिक सिस्टम था तो उनके भी चालान किए गए। उसके साथ साथ हमने आज भी एक बस को जो है इम्पाउंड किया है, उसकी फिटनेस नहीं थी तो उसको भी जो है हमने सीज किया है। तो इसी तरह से जो ये कैंपेन ये चलता रहेगा, और जो भी ऐसी बसेज है जिनके पास फिटनेस नहीं है, पासिंग नहीं है, परमिट नहीं है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक जनता की सुरक्षा का प्रश्न है तो वो सर्वोपरि है, उसके साथ जो कोई समझौता भी नहीं किया जाएगा। और आने वाले समय में हम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि जो है बसेज में वो भी थोड़ा सा बचें, जो बसेज ऑलरेडी फुल है उसमें ड्राइवर ने शराब ना पी हो, उसके पास वैलिड लाइसेंस हो, और उसके जो चीज़ें हैं सारी फोटो सहित जो है उसका नंबर है, लाइसेंस नंबर है, मालिक का नंबर है, उसको बस के अंदर और बाहर जो है वो डिस्प्ले करे, मोबाइल फ़ोन का यूज़ ना करे। और जनता को भी ये संदेश दिया कि अगर ऐसा लगता है कि ड्राइवर जो है वो रैश ड्राइविंग कर रहा है, ओवर स्पीडिंग कर रहा है, तो उस बारे तुरंत जो है प्रशासन को इसके बारे में अवगत करवाए, ताकि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और आने वाले समय में भी जो है जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी, और जनता की सुरक्षा के साथ जो है कोई जो है खिलवाड़ जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।